हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा खेत है, ये पहाड़ है दोस्तों। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पहाड़ों का व्यू। एक देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 10 गुना जूम कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू कुछ इस तरह का है दोस्तों। दोस्तों ये पहाड़ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है दोस्तों। कुछ इस तरह पहाड़ों का नज़ारा है। ये हमारा खेत है और आज हम आए हैं इस खेत में धान की रखवाली करने। दोस्तों आप लोगों को मैं घूम कर चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ, कैसा है इस गाँव में खेतों का व्यू। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। ये हमारा खेत है और देखिए दोस्तों, बादलों का मेरा कुछ इस तरह है जमा हुआ है। मानसून के आगमन से बादल भी खुश होकर रोज आते हैं दोस्तों और वर्षा करते हैं, इससे धान की फसल होती है दोस्तों। और खेतों पर या जमीनों या धरती पर हरियाली आती है। खेतों में कबूतर भी आ गए। दोस्तों मैं आज आ गया हूँ अपने खेतों पर धान की रखवाली करने। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि खेतों में धान कितना बढ़ चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ धान का व्यू। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का नज़ारा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, धान इतना बढ़ चुका है दोस्तों। दोस्तों इस धान की बुनाई से लेकर अब तक 10 से 15 दिन का समय हो चुका है। दोस्तों आप लोग को देख सकते हैं, ये धान का खेत है हमारा और सामने है पहाड़ों का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक गायों के पैरों का निशान है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। गाय हमारे खेतों में आकर घुसकर धान को खा जाते हैं, इसलिए दिन के समय धान का रखवाली करना ज़रूरी है दोस्तों। अभी दोस्तों जुलाई का आज 1 तारीख है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को 1 जुलाई 2022 की बहुत बहुत बधाई दोस्तों, क्योंकि हमने 6 महीने मतलब आधा साल कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। दोस्तों आज 1 जुलाई है, लगभग 20 से 25 दिन तक गाय नहीं चराएंगे दोस्तों, क्योंकि सभी ने अपने खेतों पर धान का बुनाई नहीं किया है। लोग अपने खेतों में धान का बुनाई करेंगे तब गायों का चराना शुरू कर देंगे दोस्तों। आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप बीज बोए हैं तो उसको रखवाली भी करना ज़रूरी है दोस्तों, तभी आपको फसल मिलेगी, वरना चिड़ियाँ कीड़े मकोड़े आपकी फसल को खा देंगे पूरा दोस्तों, इसलिए रखवाली करना ज़रूरी है पक्षियों से और गायों से। दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा रहा था खेत अपना और आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ पहाड़ों का नज़ारा इस तरह से है और ऊपर में है बादलों का डेरा। मानसून का आगमन के कारण बादलों का डेरा हर दिन बना रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।